थिंग्स कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन, द सन, द मून एंड द ट्रुथ। तीन चीज़ों को बहुत लंबे समय के लिए छुपाया नहीं जा सकता, सूर्य को, चंद्रमा को और सत्य को। और जब सत्य को बहुत लंबे समय के लिए छुपाया नहीं जा सकता, तो सत्य की राह पर चलने से गुरेज कैसा। सत्य की राह पर चलते रहिए और अच्छे से जीवन व्यतीत करिए। विश यू अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अश्मिताज कॉर्नर एंड माई नेम इज़ शिवांगी भारद्वाज। आज हम लोग, आप कंटेंट जान ही गए होंगे वीडियो देख करके कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम लोग वाटर कैंडल बनाएंगे बिना वैक्स के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखिए, ट्रे में मेरे पास 6 बॉल्स है जिसमें मैंने पानी डाल लिया है और मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कलर इसमें डाइल्यूट कर रही हूँ। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, घर में जो यूज़ होते हैं आप ट्राई कर सकते हैं वही। अब देखिए, मैंने इसमें रेड डाइल्यूट किया है एक बॉल में, दूसरे वाली में पर्पल मैं डाइल्यूट कर रही हूँ और तीसरे में मैं येलो डाइल्यूट करूँगी। इसी प्रकार से आप जितनी आपको चाहिए उसमें आप डाइल्यूट कर सकते हैं। ये जो वाटर कैंडल है वो आसान भी बहुत है और नॉर्मली कैंडल और दिए से ज़्यादा देर तक के लिए जलती है। सो कोई भी ओकेज़न हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप दीपावली पे तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। इसी तरह के मैं से दो भी डाइल्यूट कर लूँगी कलर इसमें। अब क्या करना है, जो डिस्पोजेबल ग्लास होता है उसका बेस जो सर्कल बड़ा सा होता है वो कट करना है। ध्यान रखिएगा जो सर्कल होगा वो बड़ा सा ही होगा, अदरवाइज़ अगर आप छोटा सा सर्कल कट करेंगे तो इसी पानी में डिप हो जाएगा और आपकी जो कॉटन विक होगी वो भीग जाएगी। आपके पास डिस्पोजेबल ग्लास नहीं है तो आप कोल्ड ड्रिंक बॉटल यूज़ कर सकते हैं, उसका सर्कल कट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में है एक, ये देखिए यहाँ तक मुझे कट कर लेना है। नेक्स्ट प्रोसेस में रुई की बाती बना लेनी है और इसके अंदर इंसर्ट करना है, बीच तक बिल्कुल ले जाना है और थोड़ा सा पार्ट ऊपर रखना है और सारा पार्ट नीचे, जैसे कि हम लोग बाती बनाते हैं। ये थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो और भी हैं उनका भी मैं बना लूँगी। फिर से देखिए, मैंने इसको बीच से कट कर लिया और रुई की बाती इसमें मैं डाल रही हूँ। आप इसमें सजावट के लिए लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, इन्हीं बॉल्स में कलर्ड पेबल्स भी डाल सकते हैं जो बहुत दूर से दिखेगा, बट मैंने नहीं डाला है। अब देखिए, पर्पल वाले में मैं बता रही हूँ करना क्या है। इसमें देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और इसकी जो ड्रॉप्स इधर उधर हैं उनको मिला करके एक बड़ी सी ड्रॉप मैंने बना ली है। अब धीरे से मुझे वो जो मैंने विक बनाया है वो इसमें इंसर्ट करूँगी। ध्यान रखिएगा ये जो बीच में रिफाइंड ऑयल है उसमें ही ये बाती जानी चाहिए, पानी में नहीं। अब मैं आपको इसको जला के बता रही हूँ। ये देखिए, चलो इसका फाइनल लुक देखते हैं, इसको मैंने किया क्या है। ये देखिए, मैंने एक वॉल पर बड़े से लॉर्ड बुद्धा को पेंट किया है, ट्री बनाया है, उसमें मैंने लाइटनिंग की है, नीचे लॉर्ड बुद्धा है, ग्रास एरिया मैंने नीचे कंप्लीट किया है, जो वाटर फाउंटेन था वो मैंने रख दिया है यहाँ पर, और ये 4 दियाज मैंने जला दिए हैं। Thanks for watching my video.